इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी स्टार्ट कहाँ से है? एक लॉ से, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। पर क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके ऊपर आ जाते हैं। तो स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई ताकि इसकी रॉड की लेंथ लंबी हो जाए, कितनी हो गई, इट हैज इंक्रीज बाय डेल्टा एल। तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कितनी, एल। तो दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, जिसको आप स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल। सिमिलरली अगर आप वॉल्यूम के अंदर लगाएं, बॉल को कंप्रेस करें, तो वॉल्यूम वी था, वी से वी डैश हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी बाय वी। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। एक और किस्म का स्ट्रेन है जिसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। शेयर स्ट्रेन क्या होता है कि मान लो एक रॉड है, खड़ी हुई है, नीचे से फिक्स्ड है, आपने फोर्स लगाई टेंजेंशियल और ये मुड़ गई बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो थीटा को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन है, थीटा इज शेयर स्ट्रेन। तो तीन का टाइप के स्ट्रेन है। पहला स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है वो दो किस्म का है। जैसे वायर वाले केस में आपने फोर्स को एरिया के साथ नॉर्मल लगाया था, तो फोर्स अपॉन एरिया नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन वायर वाले केस में आपने फोर्स को टेंजेंशियल धक्का मारा था नॉर्मली ताकि टेढ़ी हो जाए, तो फोर्स बाय एरिया कौन सा स्ट्रेस है, इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वापस चलते हैं, हुक्स लॉ ने क्या कहा था कि कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट केस है, अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है तो उस केस में, मतलब इसमें कांस्टेंट रादर तीन किस्म का होगा। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक है तो कांस्टेंट कुछ और आएगा, और अगर शेयर स्ट्रेन है तो कांस्टेंट कुछ और आएगा। तो तीन किस्म के स्ट्रेन है, तीन किस्म का ये कांस्टेंट है। तो इसके अंदर ये जो, अगर मान लो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डिनोमिनेटर में, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। और अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। और अगर ये शेयर स्ट्रेन है, अगर ये शेयर स्ट्रेन है तो इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो रिजिडिटी बोलते हैं इसे, ये टर्म रिजिडिटी आएगा यहां पे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीन किस्म के फॉर्मूलाज बनेंगे अब आपके पास। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस के तो तीनों फॉर्मूलाज ही सेम है। तो पहले केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में डेल्टा एल बाय एल, दूसरे केस में डेल्टा वी बाय वी, और तीसरे केस में क्या, तीसरे केस में थीटा। तो अगर फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो इस कांस्टेंट को यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो प्लीज यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद करें, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ये पहला फॉर्मूला जो यूज करेंगे आज हम। दूसरा बल्क मॉडुलस, सॉलिड के अंदर अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन लगाना है तो यंग मॉडुलस यूज होगा, इलास्टिक मटेरियल में यंग मॉडुलस यूज होगा। लेकिन अगर आपको लिक्विड और गैसेस में लगाना है तो बल्क मॉडुलस यूज होगा। तो बल्क मॉडुलस क्या है, फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलते हैं लिक्विड या गैस में, डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी और नेगेटिव साइन के साथ। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस तब यूज़ करते हैं जब चीज़ों को कंप्रेस करते हैं, जब कंप्रेस करते हैं वो डेल्टा वी नेगेटिव आता है। तो डेल्टा वी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए साइन नेगेटिव लगाया जाता है। क्योंकि जब आप डेल्टा वी यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल हमेशा कम होता है इनिशियल से, दबाते हैं तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाए। अदरवाइज अगर आप ऐसा माइनस नहीं यूज़ करना चाहते, आप मैग्नीट्यूड यूज़ कर लें तब भी कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा कि कैसे करना है। तो फॉर्मूला नंबर टू और फॉर्मूला नंबर थ्री, वो सबसे कम यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं पेपर में। तो इसके अंदर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, तो अगर आपके पास एक वायर है, आपने उसको स्मॉल एल खींच दिया, लंबा कर दिया, तो वर्क डन का फॉर्मूला नोट करें, हाफ इंटू फोर्स अप्लाइड इंटू इंक्रीज इन लेंथ। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इसमें, हाफ इंटू आपने कितनी फोर्स अप्लाई की और कितनी इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल एल हो गई, तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू आ गई, एक काम करो, दोनों तरफ से वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वायर होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ। तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला नोट करो, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो वर्क डन का फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू एल, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
ठीक है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, क्योंकि y यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या होगा, y इंटू स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेस की जगह पुट करें y इंटू स्ट्रेन, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का नेक्स्ट फॉर्मूला हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दूसरा फॉर्मूला हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला स्ट्रेन को पुट करें स्ट्रेस बाय y, तो तीसरा फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय y। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। ये ग्राफ के अंदर ये बताया जाता है कि आप एक रबर बैंड को खींच रहे हो, इलास्टिक वायर को खींच रहे हो, तो उसकी क्या स्टेजेस होती हैं। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। तो शुरू शुरू में पी पॉइंट तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। हुक्स लॉ एप्लीकेबल का मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हर वक्त एप्लीकेबल नहीं होता जब आप वायर को खींच रहे होते हैं, तो थोड़े से पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो पी पॉइंट तक एप्लीकेबल है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर आप और रबर बैंड को खींचते हैं, मान लो ई तक, तो उसकी इलास्टिक लिमिट तक खींच रहे हैं, तो पी से ई तक आपकी जो हुक्स लॉ है प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट इसमें नहीं फॉलो करती, हुक्स लॉ फेल हो जाता है, पर हाँ वायर खींचती है, कोई दिक्कत नहीं, और ये विद इन इलास्टिक लिमिट है। अगर आप यहाँ तक किसी वायर को खींच के छोड़ते हो तो वापस वो ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है, पर अगर आप नहीं हटते, आप इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस करते हो, तो रबर बैंड या वायर लूज हो जाती है। तो आप और खींचते हो ए पॉइंट तक, तो आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया, तो अब वो ओरिजिनल लेंथ पर वापस नहीं आएगी, थोड़ी लंबी रह जाएगी। लंबी रहने का मतलब उसमें परमानेंट क्या जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। फिर आप और खींचते हो तो अल्टीमेटली अपने ओन वेट से टूटी जाती है, उसको बोलते हैं फेलियर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये ग्राफ इसका पता होना चाहिए। तो जैसे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दी ब्रास बार ऑफ लेंथ गिवन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन और व्हेन कंप्रेस्ड बाय अ लोड ऑफ 5 kg वेट। तो फोर्स 5 kg वेट है, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करके आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लें। एरिया आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है, क्या निकालना है आपको, एनर्जी ऑफ दी वायर। एनर्जी ऑफ वर्कडन एक ही बात है, तो एनर्जी ऑफ वर्कडन का फॉर्मूला क्या किया था, हाफ इंटू फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको फोर्स तो गिवन है, आपको डेल्टा एल नहीं गिवन, इसके बदले में आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो आप यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से डेल्टा एल निकाल लें, आपको फोर्स गिवन है, लेंथ गिवन है, वाई गिवन है, ए गिवन है, तो डेल्टा एल की वैल्यू को यहाँ पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड। तो बेसिक फॉर्मूला है ये। जैसे स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 meter इज स्ट्रेच थ्रू 2 mm, तो स्टील वायर है जिसकी एल गिवन है और जिसका डेल्टा एल भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, वाई भी गिवन है, क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी। याद रखना एनर्जी डेंसिटी का सिंबल छोटा यू, एनर्जी का सिंबल बड़ा यू, और एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है, छोटा यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके अंदर आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हाफ इंटू आप, या फिर ये भी किया हुआ है, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि क्वेश्चन में डेल्टा एल पता है, एल पता है और वाई पता है, तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं करना, ये देखो इस क्वेश्चन में एक स्टील और ब्रास वायर है और ये एक रॉड है, ठीक है। तो इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, टेंशन T1 T2 है। अब इस केस में वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो इस क्वेश्चन में एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ 2 meter है और दो वायर से लटकी हुई है, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पता है और दूसरी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 पता है। आपको बताना है पोजीशन अलोंग द रॉड एट विच वेट मस्ट बी सस्पेंडेड टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस इन बोथ वायर्स। तो वो कह रहा है कि मैं कितना वेट कहाँ टंगूँ, ये 2 meter की लेंथ है, कहाँ टंगूँगा, मतलब एक्स बताओ, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे सारा, स्ट्रेस दोनों में सेम रहे। तो स्ट्रेस सेम रहे और दूसरा पार्ट है स्ट्रेन सेम रहे। चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि आपको एक्स बताना है, डब्ल्यू वेट आपको टांगना है ताकि स्ट्रेस दोनों वायर्स में सेम रहे। स्ट्रेस होता है क्या पहले ये बताओ, इसमें T1 बाई A1 और दूसरी वायर में क्या होगा T2 बाई A2, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो T1 बाई A1, T2 बाई A2, तो यहाँ से A1 A2 गिवन है, यहाँ से टेंशन की रेशियो आ गई। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना ही ऐसे घूम रहा है ना ऐसे घूम रहा है, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किया था, क्या किया था, T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू 2 माइनस एक्स। तो ये दूसरी रेशियो आ गई, T1 इंटू एक्स, T2 इंटू 2 माइनस एक्स।
तो यहां से टेंशन की रेशियो तो आपके पास है, सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी लगेगा और इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन तो जो लगेगा वो तो लगेगा ही। तो ऐसे सेकेंड पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये हमने ग्राफ फिर से कर लिया, ये बहुत आता है पेपर में, ये वाला शॉर्टकट कि एक वायर अगर हम सीलिंग से टांग दें, एक वायर को अगर हम सीलिंग से टांग दें और ये अपने ही वेट से, ओन वेट से ये नीचे स्ट्रेच हो जाए तो क्या करना है। तो अगर एक वायर ओन वेट से नीचे आ जाए तो देखो क्या करना है। सपोज ये वायर है, ये सीलिंग से हमने टांग रखा है, इसका मास m है। अब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको यंग और नीचे कोई ब्लॉक नहीं लगा रखा हमने, कोई ब्लॉक नहीं है, नहीं तो हम नॉर्मली वायर का मास लेते नहीं है, नीचे ब्लॉक लगाते हैं mg का। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है और ये अपने आप अपने ही वेट से नीचे आएगी तो इसका वेट कहाँ एज्यूम किया जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। छत से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, एल बाई टू। तो यंग मॉडुलस में क्या लगेगा, इसका वेट है mg, तो फोर्स mg बाय एरिया, क्योंकि वेट थोड़ा कम हो जाएगा, वेट तो पूरा ही रहेगा mg बाय एरिया, डेल्टा l डिवाइडेड बाय l, नहीं लेना ओन वेट में, यहां पर लेंथ क्या लेनी है l बाय टू, क्योंकि सेंटर हम अपना मास यहां पर मान रहे हैं, यहां से छत तक का मास क्या है l बाय टू, तो यहां पर क्या आएगा L by 2। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक वायर है जिसका कोई मास नहीं है, ये मासलेस है, ये मासलेस है, नीचे आपने एक मास लगा दिया, तो अब इसकी लेंथ जो है L है, जब आप यहां पर लगाओगे यंग्स मॉडुलस तो इसका सेंट्रो मास यहां पर है, कहीं पर है पॉइंट मास है, तो आप पूरी की पूरी लेंथ L लोगे, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L बाय L, इसका तो मास ही नहीं है। और सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वायर का मास भी है और ब्लॉक का मास भी है, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बोलो क्या करेंगे उस केस में। हाँ, फिर हम वायर का और इसका क्या ढूंढेंगे, सेंटर ऑफ, फिर सेंटर ऑफ मास की लेंथ एल डैश जो होगी वो पुट करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, आइडिया समझ में आ रहा है। तो सारी गेम सेंटर ऑफ मास से चलेगी, लेंथ जो है वो छत जहां से आपने वायर को टांग रखा है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास तक चलती है। ठीक, तो ज्यादातर केस में वायर का मास नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ओन वेट का क्वेश्चन आ जाए जो कि मेंस और नीट में आता है तो उसमें एल बाय टू लगाना है, भूलना नहीं है यहां तक। नेक्स्ट है, इसके अंदर यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, ये रहा। अगर मैं यंग मॉडुलस को स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो स्प्रिंग के लिए क्या है, फोर्स इज इक्वल टू के इनटू डेल्टा एल, तो एफ अपॉन डेल्टा एल क्या है के, तो एफ बाय डेल्टा एल की जगह स्प्रिंग कांस्टेंट पुट कर देंगे ये, तो ये फॉर्मूला नोट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई एल बाय ए, वाई ए बाय एल, ये नोट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट और यंग मॉडुलस का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अगर मान लो दो वायर्स पैरेलल में हैं तो आपको इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो आपको स्प्रिंग का केस तो करना आता है, अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो के स्प्रिंग इज के वन प्लस के टू, तो के को यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में पुट कर देते हैं जो अभी हमने फॉर्मूला किया, तो वाई वन ए बाई एल, वाई टू ए बाई एल, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये भी इसका भी ए है और लेंथ इसकी एल और एल है। दो वायर की जगह एक वायर लगाएंगे तो याद रखना जो मोटी वायर लगानी पड़ेगी, तो मोटी वायर में लेंथ तो सेम रखेंगे तो मोटी वायर में एरिया क्या हो जाएगा 2a, तो ये फॉर्मूला नोट करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में यंग मॉडुलस y1 plus y2 by 2, और वो भी तब जब एरिया बराबर है a a a, ठीक है ना, एरिया बराबर है, बराबर नहीं होगा फिर ऐसे पुट करना पड़ेगा a1 a2 और a1 plus a2, फिर ऐसे करना पड़ेगा। फिर अगर ये सीरीज में है तो सीरीज का ये फॉर्मूला, तो दो वायर की जगह एक वायर लगानी है तो सीरीज में पहला दूसरा ये फॉर्मूला पुट किया, और इक्विवेलेंट में अब जब वायर लगेगी वो मोटी नहीं लगेगी, वो लंबी लगेगी, तो लेंथ एल की जगह 2l, तो सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला मार्क करें प्लीज, 2y1 y2 by y1 plus y2, आता है ये नीट और मेंस में, आता है ये नीट और मेंस में। ठीक है, यहां तक। तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखेंगे,
नेक्स्ट क्या है इसमें, ये प्रॉब्लम बहुत आती है, ये प्रॉब्लम है थर्मल कंडक्टिविटी भी, उसमें भी आएगी वैसे ये, कि अगर एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ए है और यंग मॉडुलस वाई है, तो लीनियर एक्सपेंशन एल्फ है, हीटेड टी डिग्री सेल्सियस वर्क डन बाय द रॉड। हुआ क्या, इसमें हमने वायर को खींचा नहीं, हमने वायर को गर्म कर दिया, गर्म करने से वायर एक्सपैंड हो गई, लंबी हो गई, तो उसमें डेल्टा एल प्रोड्यूस हो गया, तो गर्मी ने वर्क डन किया, वो कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम वो थर्मल एक्सपेंशन इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ जब एक्सपैंड होती है तो जो नई लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू टी डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से हमने ये रेजिस्टेंस में भी किया था, तो यहाँ से डेल्टा एल का ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, अब यंग मॉडुलस क्या है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल को अल्फा की फॉर्म में पुट कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ से फोर्स आ गई। अब वर्क डन क्या होता है, हाफ इनटू एफ इनटू डेल्टा एल, फोर्स को अल्फा की फॉर्म में पुट कर दिया और डेल्टा एल ऑलरेडी अल्फा की फॉर्म में है हमारे पास, तो यहाँ पुट करके ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिखेगा, मतलब आपको थर्मल एक्सपेंशन का जो अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसकी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रिजल्ट याद रखना, एक वायर को अगर आपने ब्रेक करना है तो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, तोड़ने का जो स्ट्रेस है चाहे लंबी वायर है चाहे छोटी वायर है वो सेम रहता है। तो इसके ऊपर है, वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइड लोड ऑफ 20 kg वेट, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ऑफ ट्वाइस द डायमीटर, तो कह रहा है कि डबल डायमीटर की तो वायर तोड़ने में कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस होता है, फोर्स बाय एरिया की रेशियो सेम होती है, अगर आपने एरिया चेंज किया आपको फोर्स चेंज करनी पड़ेगी पर रेशियो विल रिमेन सेम। तो यहाँ से आपको F1 पता है, एरिया की रेशियो पता है, यहाँ से F2 कैन बी कैलकुलेट, मतलब इस तोड़फोड़ वाली जो क्वेश्चन है, वायर को तोड़ दिया, इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रखना होता है, बात खत्म, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर केबल दैट कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ W इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, एक तार को दो हिस्सों में तोड़ दिया, मैक्सिमम लोड दैट केबल कैन सपोर्ट इज सेम, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम ही है, तो आपका वेट W ही वो, क्योंकि वायर चाहे लंबी है चाहे छोटी है, अगर उसमें W वेट उठाना है तो W ही उठाना है, उससे ज़्यादा वेट करोगे तो लंबी वायर भी टूटेगी और छोटी वायर भी टूटेगी। तो ऐसा नहीं है आप पतली सी वायर ले लोगे, रबर बैंड ले लोगे 2 किलोमीटर लंबा, फिर ट्रक को उठा लोगे, नहीं, क्योंकि आपको वायर तो लंबी है नहीं, स्ट्रेंथ जो है वो इसके ऊपर मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो आप लंबाई से कुछ नहीं होगा इसमें, तो ये सिंपल प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेते हैं दोनों तरफ का ए और ए, पर अगर आपको कॉनिकल वायर मिल जाए या ऐसी वायर मिल जाए थोड़ी टेपरिंग वाली, एक का एरिया ज़्यादा है एक का एरिया अगर कम है, तो आपने जब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है, फोर्स एरिया डेल्टा एल एल, प्रॉब्लम है एरिया क्या पुट करें, तो ये नोट करें, एरिया पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ A1A2, एरिया पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ A1A2, ये शॉर्टकट नोट करें, तो लेफ्ट का एरिया पाई R1 स्क्वायर है, राइट का पाई R2 स्क्वायर है, तो फिर एरिया क्या है पाई इंटू R1 R2। ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे इसमें। जैसे ये रहा, इसके अंदर यंग मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इन्फिनिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी याद रखना इन्फिनिटी, और शेयर मॉडुलस ऑफ लिक्विड क्या होता है जीरो। ये नीट वाला में थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेते हैं, तो ये तीन टर्म्स याद की जा सकती हैं इसमें, यंग मॉडुलस, भाई रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी का डेल्टा एल तो जीरो ही होगा, तो इसलिए यंग मॉडुलस इन्फिनिटी होगा, ऐसी बल्क मॉडुलस में भी डेल्टा भी तो होगा नहीं, जीरो होगा तो इन्फिनिटी होगा, और शेयर में तो कुछ होता ही नहीं है तो जीरो ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसका मास m1 है और नीचे मास m2 है, सस्पेंड कर दिया, व्हाट इज द स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पे क्या स्ट्रेस होगा। अब यहाँ इस पूरी रॉड का मास m1 है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया,
मिड पॉइंट पे फोर्स क्या लग रही है, नीचे की वायर का वेट प्लस इसका वेट, तो इसका वेट क्या है एम वन जी बाई टू, और नीचे का तो पूरा वेट है डिवाइडेड बाई एरिया, तो ये इसका स्ट्रेस है। ये हमने कर लिया, सीरीज पैरेलल वाला सेम है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये याद रखना फैक्ट, क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस बड़ा होता है रबर से। पहला क्वेश्चन, स्ट्रेस स्ट्रेन पे जितनी थ्योरी हमने की बस उसके ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है इसका। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 3 केजी एंड 5 केजी आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली, पुली के ऊपर से जा रही है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ मेटल इज गिवन, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर। एक बात बताओ स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो ये जो वायर लटक रही है इसकी फोर्स क्या होगी, इसकी टेंशन, टेंशन बाय एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आर आपको निकालना है, वाई आपको गिवन है, मेन आपको टेंशन निकालनी है, तो लॉज ऑफ मोशन लगाओ ना इसमें, तो लॉज ऑफ मोशन लगाओ इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसमें कि सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर, लॉज ऑफ मोशन लगा के सबसे पहले क्या निकलेगी, टेंशन और एक्सेलरेशन, टेंशन आ गई तो सबसे पहले इसमें क्या निकलेगी, टेंशन निकलेगी, राइट, ये टेंशन आ गई। अब स्ट्रेस क्या है, टेंशन बाय एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो आपको इस क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेस तो गिवन ही है, क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेस ये देखो गिवन है, एज इट इज गिवन है, दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज टेंशन बाय एरिया, टेंशन हमने निकाल ली, एरिया पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करके रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है यहां तक, इस क्वेश्चन को एक बार देखें, यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ वेट गिवन, तो वेट गिवन है और 10 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन और लेंथ गिवन, फिक्स सपोर्ट पे लटकी हुई है, यंग मॉडुलस भी गिवन है, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब वायर लंबी हो रही है तो आपने रेडियस में चेंज नहीं लेना कोई भी, तो आपको क्या निकालना है, इलोंगेशन ऑफ द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, ओन वेट बताया था मैंने, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल बाय टू, तो निकाल देना जो निकालना है डेल्टा एल, बाकी तो वैल्यूज गिवन ही है, तो मेन इसमें यही रूल है कि डेल्टा एल बाई क्या, एल नहीं लेना, एल की जगह ओन वेट में एल बाई टू लेना है बस, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है।
फोर आइडेंटिकल होलोसेंट्रिकल कॉलम, चार कॉलम है, एक दो तीन चार, बिग स्ट्रक्चर, मास इतना सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर, चार मतलब सेंट्रिकल कॉलम्स के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है। तो इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ईच कॉलम, तो एक सेंट्रिकल है तो आउटर का रेडियस गिवन है और इनर का भी गिवन है। तो एज्यूमिंग यूनिफॉर्म लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, स्ट्रेन निकालना है बेसिकली आपको ईच कॉलम का, एक कॉलम का। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस क्या है, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स इसमें क्या होगी, फोर्स बाय फोर, वेट बाय फोर, क्योंकि चार कॉलम पे टोटल मास है, पर कॉलम क्या आएगा, एम जी बाय फोर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वेट की बराबर है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बस आपने एम जी बाय फोर करना है। एरिया एक सिलेंडर का क्या होगा, पाई इंटू आउटर रेडियस माइनस पाई इंटू इनर रेडियस, ये हो गया। तो यहां से क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया, तो बाकी तो हो गया। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, स्ट्रेस आपने निकाल लिया, वाई आपको गिवन है आंसर। मेन तो इसमें यही है कि चार से डिवाइड करना है और एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर लगाना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या क्या इसमें करना है? ऑनलाइन क्लियर है सर? हाँ बोलो सर, वो अंडर रूट ए वन ए टू कब लिखते हैं हम? अंडर रूट ऑफ ए वन ए टू, यस सर। वो अगर एक तरफ से एरिया छोटा है, एक तरफ से एरिया बड़ा है, मतलब कुछ इस तरीके से है। एक सेकंड रुको, अगर ऐसी वायर है इधर से पतली इधर से बड़ी, तो इधर का एरिया ए वन है, इधर का एरिया ए टू है, तो फिर यंग मॉडुलस में जो फॉर्मूला लगता है ना, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो एरिया में पुट करते हैं रूट ए वन ए टू, ऐसे है। सर फिर उसमें रेडियस तो डिफर कर रहे थे ना आपस नहीं में? नहीं वो ये ऐसी वायर थोड़ी ना थी, वो तो ऐसा था ये टोटल मास एम है, चार पिलर्स पे खड़ा हुआ है, ये एक पिलर है, ये दूसरा पिलर है, पिलर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है ना, वो ऐसा ऐसा पिलर है, ऐसा आउटर रेडियस इनर रेडियस, अंदर से खाली है, तो आपने ये रेडियस लेना है, ये एरिया लेना है बस। ओके सर, हाँ ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें इलास्टिसिटी के अभी क्वेश्चंस मैं शीट जो करवा रहा था ना, उसके अंदर एक दो चीज़ें बच गई हैं, वो भी आपको करवा ही दूँ। तो जैसे जैसे बल्क मॉडुलस की प्रॉब्लम है हमने, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम किसकी की थी, सिर्फ यंग्स की थी, ऐसी बल्क की प्रॉब्लम भी है। ये यहां तक हमने कर लिया था, स्टील का यंग मॉडुलस, हाँ ठीक है, यहां से देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, पेपर्स अभी सॉल्व करने से पहले दो तीन चीजें रह गई थी, वो ही बता देता हूँ, नहीं तो बीच में यूज होंगी। कि अगर मान लो स्टील है और ये ब्रास है, नीचे मासेस लगे हुए हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और मेंस में, तो इसके ऊपर जब यंग मॉडुलस लगाओगे, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो लेंथ क्या लोगे 1.5, वो डेल्टा एल पूछेगा क्वेश्चन में। फोर्स क्या लोगे, 4 और 6 10 के जी, 10 इंटू जी। लेकिन जब इसके ऊपर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओगे तो लेंथ क्या लोगे 1 और फोर्स क्या लोगे सिर्फ 6 जी, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, ये देखो बल्क मॉडुलस वाटर का निकालना है, इनिशियल वॉल्यूम वाटर का पता है, प्रेशर पता है और फाइनल वॉल्यूम पता है। तो प्रेशर को एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल पता है, डेल्टा वी पता है, तो मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, ये नेगेटिव में तो होता नहीं, तो मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर दिया, ठीक। जैसे इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, होगा क्या जब आप पानी की सरफेस के नीचे जाते हो, तो पानी किसी भी बॉल को या किसी भी चीज़ को दबाता है, प्रेशर लगाता है, तो वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसका मास तो सेम रहता है, तो अगर उसका वॉल्यूम छोटा होगा तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी कैसे चेंज होती है, ये क्वेश्चन है। तो डेंसिटी का चेंज जो है, इसका फॉर्मूला नोट करो, डेंसिटी का ये चेंज है, ये रहा डेंसिटी का ये फॉर्मूला नोट करो, ये रहा के फॉर बल्क मॉडुलस। तो डेंसिटी जो होती है, ओरिजिनल डेंसिटी जो सरफेस पे है, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, कुछ ऐसा, के लेना बी लेना बी ले लो,
तो ये फॉर्मूला प्लीज नोट करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डेंसिटीज कैसे चेंज होती हैं। जैसे अगर आप पानी की सरफेस के एच डिस्टेंस नीचे चले गए तो डेल्टा पी में क्या पुट करोगे, एच रो जी, एच रो जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। कभी कभी ये भी आता है रो डैश इज इक्वल टू रो, और हाँ वन बाय बल्क मॉडल्स को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। प्लीज कई बार किसी न्यूमेरिकल में कंप्रेसिबिलिटी गिवन होती है तो उसका रेसिप्रोकल आपको क्या देगा, बल्क मॉडुलस। तो कई बार ये आता है, ये देखो ऐसा रिजल्ट आएगा तो कहेगा चेंज इन डेंसिटी बोलो क्या होगी, तो चेंज इन डेंसिटी क्या होगी, ये होगी, मानते हो। कई बार आता है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या होगी, तो फ्रैक्शनल चेंज में क्या आएगा, ये अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, रो को भी नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, डेल्टा पी बाय। तो ऐसा करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व, वो कुछ भी पूछ सकता है, डेंसिटी का रिजल्ट याद रखो, फिर क्वेश्चन में देखेंगे उसने क्या पूछा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो डेंसिटी का रिजल्ट याद रखना है आपने इसमें। ठीक, नेक्स्ट है पॉइसन रेशियो। देखो पॉइसन रेशियो तब यूज करते हैं जब एक वायर है, एक वायर को आपने खींच दिया तो हमने सिर्फ लेंथ में चेंज लिया लेकिन एक्चुअल में डायमीटर में चेंज भी होता है। तो अगर आप दोनों चेंजेस लो, लिटरल और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लंबाई में, लिटरल का मतलब चौड़ाई में, तो उस केस में जो स्ट्रेन आएगा लिटरल डायमीटर में डेल्टा डी बाई डी, और लेंथ में क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल। तो इनकी दोनों की रेशियो को विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ेगा तो लिटरल स्ट्रेन कम होगा, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव सिग्मा पॉइजन रेशियो, सिग्मा इसे बोलते हैं। तो इसके अंदर ये सिग्मा है, इसके अंदर ना ये कुछ रिजल्ट्स हैं। पॉइसन रेशियो 0.5 होती है, नहीं ये करते हैं, ये वाला फॉर्मूला नजर मार लो यार, मेन वालों ने पूछ लिया, नीट वाले पूछ लेते हैं कि यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस का और सिग्मा का क्या रिलेशन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करो, वाई का ईटा का सिग्मा का क्या रिलेशन है, वाई का ईटा का के का क्या रिलेशन है, और सिग्मा के ईटा और के का क्या रिलेशन है। ये तो आपको मतलब नजर ही मारने पड़ेंगे, मुश्किल बहुत है ये, तो करेक्ट ऑप्शन ही आता है, मतलब सीधा फॉर्मूला ही आता है इसका, मेन्स में आया हुआ है 2021 में, अभी आएगा, नीट में भी कई बार देखा मैंने आता है, ये सीधा फॉर्मूला है ये, पर वैसे मेरे को याद नहीं है ये फॉर्मूलाज, आपको करने पड़ेंगे, यूज नहीं होते ना अमेरिकस में।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, देखो ये भी शीट की प्रॉब्लम थी यार, पता नहीं मेरे को दिखी क्यों नहीं बीच में, ये भी शीट की प्रॉब्लम थी। चलो देख लो, मुझे याद नहीं है पर ऐसा कुछ है, वैल्यू ऑफ टेंशन चेंज फ्रॉम T1 टू T2, लेंथ ऑफ द मेटल एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेंशन T1 T2 आर L1 एंड L2, एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर निकालो। चलो एक्चुअल लेंथ मान लो L है, तो अब वायर की लेंथ L1 हो गई, तो डेल्टा L क्या है? L1 माइनस L। दूसरे केस में डेल्टा L क्या है? ये डेल्टा L1 ले लेते हैं, ये डेल्टा L2 ले लेते हैं। क्या है पॉइंट क्लियर है? और इस दौरान टेंशन क्या है? T1। इसमें टेंशन क्या है? T2। वायर तो सेम ही है ना, तो यंग मॉडुलस विल रिमेन सेम। तो फर्स्ट केस में यंग मॉडुलस T1 बाय एरिया, एरिया उसने चेंज करने को कहा ही नहीं, ए ले लेते हैं, डेल्टा एल बाय एल। तो पहले केस में डेल्टा एल में L1 माइनस एल, फर्स्ट केस। दूसरे केस में टेंशन T2, लेंथ L2, एरिया ए, और डेल्टा एल की जगह L2 माइनस एल। इक्वेट कर लो इसे, इन दोनों को इक्वेट करके वाई और वाई एल कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन जो भी है, तो वाई को इक्वेट कर लेंगे आंसर आएगा। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो यहां से आंसर निकालना। नेक्स्ट है, ये तो किया हुआ है या किसमें? एंड टू एंड, एंड लोडेड। एंड टू एंड का मतलब सीरीज। क्या आंसर है इसका? ए ए अभी किया था, 2y1 y2 बाय y1 प्लस y2, सीधा ही, कितना आसान क्वेश्चन डाल दिया। ये भी तो अभी किया, प्रेशर पी क्या निकालना है? नॉर्मल डेंसिटी रो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी रो डैश माइनस रो, अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना रो डैश का, तो रो डैश माइनस रो निकाल लेना। क्या आएगा? क्या आएगा? बी आएगा, बी आएगा, बी, क्योंकि के डिनोमिनेटर में था ना, राइट, बी आएगा। तो रो डैश माइनस रो, मैंने बोला ना यार फॉर्मूला अच्छे से करके जाना, कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसका गीगा पास्कल है, तो 10 की पावर 9, 9, ठीक है। तो क्यूब ऑफ मैटर इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 4 गीगा पास्कल, प्रेशर द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, परसेंटेज इन लेंथ, डेल्टा एल बाय एल निकालना है, डेल्टा एल बाय एल निकालना है, और बल्क मॉडुलस गिवन है, तो लगा लो फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस क्या होता है? प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? डेल्टा वी बाय वी, तो डेल्टा वी बाय वी आ गया, लेकिन आपको डेल्टा एल बाय एल निकालना है। तो एक काम करो, ये फॉर्मूला लिखो वी का ए क्यूब, सबसे पहले काम करो डेल्टा वी बाय वी निकाल लिया ना, इसको ऐसे रखो, वॉल्यूम ए क्यूब है, एरर का रूल लगाओ, डेल्टा वी बाय वी रिलेटिव एरर 3 × डेल्टा a/a, कैलकुलस कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। चलो डिफरेंशिएट करोगे तो 3 × a² आएगा, वैसे इसमें एरर का रूल भी लग ही सकता था, एरर का रूल लगाते हैं यार ये, तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, रहने दो। ऐसा करते हैं, हमारे पास डेल्टा वी बाई वी तो आ गया ना, कितना 1/20 ना, तो वॉल्यूम को लिखो ए का क्यूब, लिख लिया डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 3 × डेल्टा a/a, तो डेल्टा ए बाय ए क्या आएगा? 1/3 × कितना? डेल्टा वी बाय वी, तो डेल्टा वी बाय वी कितना है? 1/20, निकाल लेना × 100। आइए, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, ईजी है, ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डेल्टा ए बाई ए यहाँ से आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज ये लंबा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? तो बल्क मॉडल्स के फॉर्मूले से डेल्टा वी बाई वी, और वी से ए कैसे निकलेगा? अब एरर का सिंपल रूल लगाओ, रिलेटिव का सीधा आंसर आएगा। तो अभी अभी किया ऐसा क्वेश्चन, NCERT वाला दिखा रहा था मैं आपको, मिलता जुलता है, सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, पढ़ लो। इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन, इनमें से आने का चांस ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे इनमें से।
प्रेशर के, प्रेशर है तो बड़ा, तो प्रेशर आ भी जाता है, ऐसा नहीं है करके तो सारे जाना पड़ेगा। वायर्स डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल, चलो ठीक है सेम मटीरियल है, वाइस ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्रॉस सेक्शन ये भी गिवन है, मासेज ऑफ 20 10 ये भी गिवन है, तो मैक्सिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड इन दी पैन विदाउट ब्रेकिंग दी वायर, तो एम लगाना है यहाँ पर, वेट बताना है क्या होगा या एम बताना है कितने केजी का होगा, केजी में सिर्फ मास बताना है ताकि वायर टूटे ना, तो आपको ना एक एक करके काम करना पड़ेगा, आपको इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है तो एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा, आपको इसका भी गिवन है एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो जब आप फॉर्मूला ऊपर लगाएंगे सबसे ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें फोर्स क्या लेंगे, इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास m1 m2 और m3, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया फोर्स बाय एरिया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है m3 यहाँ से कैन बी कैलकुलेटेड आ गया, अब m3 आ गया यहाँ पर ठीक है, पैन का वेट आ गया, अब इसके ऊपर लगाएं, जब इसके ऊपर लगाएंगे तो दो ही मास लेंगे m2 और m3, सॉल्व करके क्या आएगा फिर से m3 आएगा, सेकेंड वायर कह रही है भाई 40 से ऊपर मत लगाना, फर्स्ट वायर कह रही है मेरी तरफ से चाहे 70 लगा दो, तो तुम किसकी सुनोगे, 40 की सुनोगे यार, 70 लगा दोगे दूसरी टूट जाएगी, तो आपको नहीं तोड़ना किसी वायर को, तो आंसर 40 मार्क होगा, ठीक है बढ़िया सही है, नहीं तो बंदा पहले वाले वायर का क्वेश्चन सोल्व करके 70 करके आंसर मार्क कर देगा, 70 चेक नहीं करेगा दूसरी वायर के साथ, तो बेस्ट तरीका पता है क्या है, दूसरी वायर से चेक करो नीचे से, क्योंकि ऊपर से आपको आंसर ज्यादा ही मिल पाएगा इसमें, चलो दोनों चेक कर लो, ये लो
स्टोन जिसका मास 20 ग्राम है इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम रबर कैटापल्ट ऑफ लेंथ 0.1 मीटर. तो गुलेल है और स्टोन का मास गिवन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ए. स्ट्रेच बाय एन अमाउंट ऑफ 0.04 मीटर. तो डेल्टा एल गिवन है. वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड स्टोन इज इक्वल टू व्हाट. तो क्या करना है इसमें, एनर्जी आप खींचोगे रबर को तो एनर्जी स्टोर करोगे और इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. बस. तो एनर्जी स्टोर क्या होगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो आप इसमें वैल्यूज पुट करना, स्ट्रेन का डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस का वाई इंटू स्ट्रेन और वॉल्यूम निकाल लेना एरिया इंटू लेंथ करके. नहीं तो ऐसा करो हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल लगा लो. वर्क डन का फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल लगा लो इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उसे कन्वर्ट करके वेलोसिटी निकाल लेना. भाई इसमें कुछ करना नहीं है, कन्वर्जन है, बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक. तो ये तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है इलास्टिसिटी का.